किन लोगों पर भूतों की नजर होती है, क्या आपने कभी सोचा है? वैसे आपने यह सवाल सोचा हो या ना सोचा हो, मगर यह तो सोचा ही होगा कि वास्तव में भूत होते हैं या नहीं होते। इसके जवाब में बहुत से लोग कहेंगे कि भूत होते हैं और बहुत से कहेंगे नहीं होते, लेकिन हकीकत में भूत होते हैं, क्योंकि यह बात मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी घटनाएं अपने करीबियों के साथ होते हुए देखी है जिन्हें देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि भूत नहीं होते। और फिर मैंने जानने की कोशिश की कि यह भूत किन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और क्यों, क्योंकि यह सभी लोगों को तो अपना शिकार नहीं बना सकते, और जिनको यह एक बार शिकार बना लेते हैं उनको बार बार कैसे शिकार बनाते हैं। तो केवल वही आत्माएं नहीं बल्कि दूसरी आत्माएं भी उस व्यक्ति को बड़ी आसानी से अपने वश में कर लेती है जिसको दूसरी आत्मा ने कभी भी अपने वश में किया हो। कैसे इन भूतों को पता चलता है कि यह वही व्यक्ति है जिसे कभी दूसरी आत्माओं ने अपने वश में किया था? क्या इस तरह के लोग भूतों को दिखाई देते हैं या फिर कुछ और वजह होती है? तो आज इसी बात पर हम डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि यह सब कैसे संभव होता है। अगर आपका मानना है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं तो आप ऐसा मान सकते हैं, लेकिन आत्मा होती है, इस बात से तो आप भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर भी कुछ ऐसा है जो अगर आपको छोड़कर चला जाए तो आपका शरीर बेजान हो जाएगा। आपका दिमाग कितना भी तेज हो वह भी कुछ नहीं कर पाएगा और तुरंत आपका साथ छोड़ देगा। वह जो चीज हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है उसे ही आत्मा कहा जाता है, जो एक शरीर में मालिक की तरह रहती है। और अगर इसे आध्यात्मिक नजर से देखें तो जब एक आत्मा जन्म लेती है तो उसकी मुक्ति तभी संभव है जब वह खुद भगवान हो जाए और अपने लोक में मिल जाए जहां से वह आई है। और ऐसा करने के लिए एक आत्मा को लाखों जन्म भी लेने पड़ सकते हैं। इसी बीच वही आत्मा बार बार अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती रहती है। इसी चरण को पूरा करते हुए भूत प्रेत आत्माएं होती है जिनका पिछला शरीर तो छूट गया मगर अभी तक इनको नया शरीर नहीं मिला। इनमें से 99% आत्माओं को तो कुछ भी पता नहीं होता, वे अपने जन्म के लिए उपयुक्त गर्भ के इंतजार में इधर उधर भटकती रहती है। मगर इनमें से 1% या उससे भी कम आत्माएं ऐसी होती है जिनको अपना कोई जरूरी काम या पिछला जन्म भी याद रह जाता है, और यही वह आत्माएं होती है जो सबसे खतरनाक भूत प्रेतों की श्रेणी में आती है, क्योंकि यह किसी भी ऐसे इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकती है जो इनको उपयुक्त लगता है और वह इनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। और आपने यह भी देखा होगा कि यह भूत प्रेत ज्यादातर लड़कियों और महिलाओं को ही अपना शिकार बनाते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इन भूत प्रेतों की स्मृति अभी भी शेष होती है तो यह खुद ही अपना छूटा हुआ अधूरा काम पूरा करने की कोशिश करते हैं और यह नया जन्म पाने के लिए लड़कियों और महिलाओं के पीछे पड़ते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि वह इस दुनिया में वापस आना चाहते हैं तो उनको जन्म लेना पड़ेगा, और यह जन्म केवल इनको महिलाएं ही देगी। और इसी कारण से सबसे ज्यादा यह महिलाओं को ही अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी आत्माएं अपने काम में सफल हो पाए, क्योंकि इनकी स्मृति शेष बसती है, उसी के आधार पर यह काम कर पाते हैं। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे इनकी स्मृति खत्म होती जाती है, और कब यह उस इंसान को छोड़ जाते हैं जिसके पीछे यह पड़े थे इनको भी पता नहीं चलता, क्योंकि एक खास सोच विचार का परिणाम एक निश्चित समय अवधि के लिए ही चल पाता है। और जैसे ही सोच विचार की ताकत खत्म हो जाती है और फिर उसका कोई मतलब उस इंसान के लिए नहीं बचता। तो चलिए अब बात करते हैं किस तरह के लोगों पर भूतों की नजर होती है। इसका उत्तर साफ है कि जिन लोगों में यह 3 तरह के इमोशन ज्यादा होते हैं वह ही भूतों को अनजाने में अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। पहला है सेक्स का इमोशन। अगर किसी के दिमाग में सेक्स के जबरदस्त विचार चलते ही रहते हैं तो इस स्थिति में भूत उस इंसान की तरफ आकर्षित होने लगते हैं जो सेक्स संभोग की इच्छा से ग्रस्त है। और दूसरा इमोशन है गुस्से का। जिन लोगों में गुस्सा ज्यादा होता है ऐसे लोगों पर आत्माएं अपना कब्जा जमाने की कोशिश करती है जिनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का हो। और तीसरा इमोशन होता है टेंशन वाला, जिसमें इंसान बहुत ज्यादा टेंशन में होता है
उस स्थिति में इस तरह की आत्माएं उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती है, जो खुद भी टेंशन में ही मरी होती है, और जिस इंसान पर कब्जा करती है उसे भी आत्महत्या के लिए मजबूर करती है। इसलिए आज से टेंशन में तो बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि यह सबसे खतरनाक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।